नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 8 जनवरी शुक्रवार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। तेज प्रताप यादव बोले, पहले पीएम मोदी ले कोरोना का टीका, तब हम लोग भी लगवाएंगे। झारखंड में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बिहार में 14 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद, बीजेपी जेडीयू की हुई औपचारिक मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले में 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। मुंबई पुलिस ने पटना में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को ले गई, पटना एसएसपी बोले, मुझे पता नहीं चला। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन पर सियासत जारी। अब आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मांग की है कि पहले कोरोना वैक्सीन का टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगवाएं, उसके बाद हम टीका लगवाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की है और मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल मैनुअल के उल्लंघन से जुड़े मामले में आज सुनवाई हुई। रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की ओर से जेल मैनुअल का उल्लंघन किए जाने के मामले में सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट में उठाया था। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गुरुवार को बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने मुलाकात के दौरान इस मामले को लेकर अंतिम मोहर लग गई है। 14 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच ऐसा समझा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पे जो बर्फ जमी थी, वह भी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के मुलाकात के बाद पिघल गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है। भैरव सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में पहले ही 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि इस घटना के लिए जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सोरेन ने कहा कि उनके काफिले पर हमला एक सोची समझी साजिश थी जिससे उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सके। कानून अपना काम करेगा, ये सबके लिए बराबर है। वहीं एसएसपी सुरेंद्र झा के मुताबिक 65 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 25 को जेल भेजा गया है। बिहार की राजधानी पटना को अपना अड्डा बनाकर साइबर अपराधियों ने हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। पटना पुलिस ने ठगी के इस महाजाल को तोड़ने का दावा किया है। पटना में रहकर साइबर अपराधियों ने पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसी आदि आवंटित करने की फर्जी वेबसाइट बना ली थी, जिसके जरिए मुंबई समेत देश भर के करीब 10,000 लोगों को चूना लगाया था। वहीं मुंबई की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस फर्जी वेबसाइट की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन साइबर अपराधियों की करतूतों का खुलासा किया है।
फर्जी वेबसाइट के आईपी एड्रेस के आधार पर मुंबई पुलिस ने पटना में छापेमारी कर एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें इस मामले में मुंबई पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है। आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।